हाय बच्चा लोगों, तो आज हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पक्का इन्हीं में से कोई बोर्ड में होगा, 100% होगा, और पक्का ये पेपर में आएंगे। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी शीट में है, 14 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जरूर आएगा पेपर में, पक्का 100%। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चा लोगों। क्वेश्चन है, दिस इज CH2CH3। ओके, दिस इज KMnO4 और KOH और हीट। अब इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करने आएगा पक्का। तो बच्चा लोगों, मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी ये क्वेश्चन, अब वैसे तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव नहीं दिया, H3O पॉजिटिव नहीं दिया तो हम इसमें कुक तक ही छोड़ेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। बट मैंने बोला फ्री में बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुक कर दिया और आगे H3O पॉजिटिव ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने फ्री में किया, पूछा उसने केवल कुक तक था, बट हमने खुद ही क्या बना दिया, कुछ तक बना दिया। सबको आया कि नहीं आया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट था पहला क्वेश्चन 14 का। जल्दी जल्दी कॉपी करते जाइए फटाफट से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का, ढंग से देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस COOH, COOH। ओके बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम, SOCl2 से करा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इजी इक्वेशन है, आपको पता है यहां से OH हटेगा दोनों जगह से, और दोनों जगह आपका क्या आ जाएगा, COCl COCl, और संग में क्या निकलेगा, SO2 और HCl। सबको आया, यस और नो बोलते जाइए फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ रहा है बच्चों, यस और नो बोलिए, क्लियर बोलो। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों लोगों, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देख रहे हैं हम, पहले इधर करेंगे जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है आपका C6H5CHO। ढंग से देखना, इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, दिस इज COOH और प्लस, बच्चा लोगों, दिस इज H2N CONH NH2। पक्का आएगा ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है 14th का। ओके, इसमें बच्चा लोगों आपको पता है इस वाले H2 से नहीं निकलेगा, इस वाले H2 से निकलेगा, तो यहां से निकलेगा O और यहां से निकलेगा H2, और आपका बन जाएगा बच्चा लोगों दिस CH डबल बॉन्ड। इधर से करेंगे NNH CO NH2, सेमी, और दिस इज H2O द मोस्ट इंपोर्टेंट। पक्का 90% बच्चे गलत करते हैं और इधर से H2O निकाल देते हैं, जो गलत हो जाता है उनका। सबको आ रहा है बच्चों, यस और नो बोलिए, क्लियर? ओके बच्चों, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। अब हमसे कह रहा है 4th में कि हमें बेंजीन से, एक क्वेश्चन सीट है। ओके, ढंग से करेंगे सारे मार्क्स आएंगे, मेहनत करनी होती है पढ़ाई के लिए। इससे हमें बनाना है दिस बेंजोफिनोन। कौन कौन बना सकता है? देखिए कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है शकल देख के, और शकल देख के देखेंगे तो आप डर जाएंगे। बहुत आसान है, कुछ भी करना, आपको क्या करना है, दिस इज बेंजीन और C6H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बन जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर CO C6H5+HCl। बना दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, करते आइए जल्दी से करो बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी से करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोगों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द क्वेश्चन। इधर देखेंगे डबल बॉन्ड ओ और दिस इज सी एच ओ। फिफ्थ क्वेश्चन है 14th का और दिस इज ए जी एन एच थ्री का होल ट्वाइस पॉजिटिव। सबको पता है दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट, और टॉलरेंस रिएजेंट कभी भी कीटोन्स को क्या नहीं करता बच्चा लोगों, ऑक्सीडाइज नहीं करता, केवल किसको ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड को करता है तो क्या बन जाएगा आपका, दिस इज यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ही रहेगा और यहाँ पे सी डबल ओ नेगेटिव। आप चाहें तो 2Ag का सिल्वर और दैट इज NH3 और H2O। दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, समझ में आ रहा है कौस्तुभ? ओके, वैसे सी डब्ल्यू नेगेटिव ही लिखो, सी डब्ल्यू एच बना तो कोई गलती नहीं है उसमें, नो प्रॉब्लम है ना। ओके, डाउन एरो कहा है? अरे डाउन एरो मतलब प्रेसिपिटेट यार। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, डाउन एरो प्रेसिपिटेट होता है, 10th क्लास का क्वेश्चन 11th में 12th में पूछ रहे हैं मैडम, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बट पूछे जरूर। नेक्स्ट है दिस। ओके, इधर सारे लोग देखेंगे सी एच ओ, इसको ऐसे लिख सकता हूं, और सी डब्ल्यू एच। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखना इसे। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है NaCN HCl। क्लियर, अब NaCl HCl से बन जाएगा आपका HCN। तो देखिए कितना स्मार्ट बंदा निकला, उसने डायरेक्ट HCN से रिएक्शन ना करवा के NaCN और HCl ले दिया, बनेगा क्या HCN। HCN की रिएक्शन सब जानते हैं, केवल इस पे असर पड़ेगा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा बच्चा लोगों, आपका बन जाएगा दिस इज सी। ओके, एच तो था ही ओ, और यहां पे जुड़ेगा सी एन, यहां पे जुड़ेगा एच, और दिस इज सी डब्ल्यू एच, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट डाल देंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट बच्चों। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये, पक्का बोर्ड में ले लीजिए इनमें से कोई क्वेश्चंस आप, जल्दी करिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों आपका है C6H5CHO। देखना इधर C6H5COH और दिस इज H, सुनना ढंग से CH CHO CH3, बहुत इंपॉर्टेंट, डाइल्यूट NaOH, दिस इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए इसमें अल्फा नहीं है, इसमें अल्फा है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? तो इसमें अल्फा नहीं है, इसमें अल्फा है, अल्फा कार्बन ये होता है एफ जी से जुड़ा हो जो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ओके, जो कार्बन एफ जी से जुड़ा है उसका नाम अल्फा पड़ा है। तो ये एच यहां से जाएगा, क्या बन जाएगा C6H5CHOH CH CH3CHO। अब इसको हीट कर देंगे, क्या निकलता है H2O, मैंने बोला एल्डोल हो चाहे क्रॉस एल्डोल हो, हमेशा हीट करके क्या निकालना होता है वाटर, और अल्फा से निकलेगा एच और बीटा से निकलेगा ओ एच, सी सिक्स एच फाइव सी एच सी सी एच थ्री सी एच ओ, बना लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट, एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं सारे पेपर में, मैं कह रहा हूं ना आपसे, जल्दी करिए जल्दी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर जो भी है 8, और सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी ओ ओ सी टू एच फाइव। ओके, एन ए बी एच फोर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एच पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं है एच पॉजिटिव से, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए एच पॉजिटिव से, आपको सबको पता है एन ए बी एच फोर केवल कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो बच्चा लोगों क्या बन जाएगा सी एच थ्री
CH OH CH2 CO O C2H5 खाता हूं। सबको आ गया, सबको आ गया, सबको आ गया, ऐसा ना बोलिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, और 9th क्वेश्चन कह रहा है, ये तो बोर्ड का फेवरेट है और सबको आना चाहिए, दिस इज OH, टेस्ट में भी दिया था याद हो, CrO3 सबको पता है, ओके CrO3 कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन को, आपको पता है सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स बन जाएगा दैट इज O+H2O, खत्म कीटोन। सबको आ गया, यस और नो बोलिए, यस और नो। चलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी करिए थोड़ी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10th, दिस इज द क्वेश्चन, इधर देखेंगे, डबल बॉन्ड CH2 से हमें बनाना है दिस वन CHO, इंपोर्टेंट डाल देना, बोर्ड का बहुत फेवरेट है, काफी बार आया है और घूम घूम के आया है। अब देखिए हमने एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना है, एल्कीन से एल्डिहाइड तो बिना सर हमने कोई सीखी नहीं है यार, एल्कीन से बिना सर हमने एल्कोहल बनाना सीखा है, एल्कीन से एल्कोहल बनाना सीखा है, किसी को याद हो हाइड्रेशन कराते थे, क्या कराते थे हाइड्रेशन, तो या आपको याद है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कोहल की रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए, वो गलती से यहां पे दे दिया है, वैसे एल्कोहल का क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं, इधर देखिए दिस इज द इंपोर्टेंट है, डबल बॉन्ड CH2 B2S6 फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में H2O2 एल्कलाइन, बहुत इंपोर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कोहल में पढ़ेंगे आप डिटेल में, ओके ये डबल बॉन्ड CH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज CH2OH, ओके प्राइमरी एल्कोहल में। अब इससे कौन कौन इसे बना सकता है, हाथ उठाइए, कौन कौन बना सकता है, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जल्दी उठाइए, पक्का दिस इज क्या कर देंगे बच्चा, CH2OH से CHO, एल्कोहल से एल्डिहाइड, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड दैट इज PCC और दिस इज CHO, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, काफी बार बोर्ड में आया है, वेरी इंपोर्टेंट डाल देना, ओजोनोलिसिस से भी होगा नहीं होगा, ओजोनोलिसिस से आपका ये टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा तो ओ जुड़ जाएंगे, कीटोन बन जाएगा बट एल्डिहाइड नहीं बनेगा उससे, ओजोनोलिसिस से नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा बेटा, चलिए ओके डबल बॉन्ड तोड़ा दोनों साइड में ओ जोड़ा किसी को याद हो तो, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा है दिस फर्स्ट इज द O3 सेकंड इज द ZnH2O और दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस और डबल बॉन्ड हो, पक्का ओजोनोलिसिस हो रहा है, ओजोन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पे ही काम आया है, ओजोनोलिसिस किसका ओजोनोलिसिस करें कि ये हो जाए, तो मैंने उल्टा करके भी बताया था, दोनों मॉलिक्यूल लिखिए ऐसे इस तरह से और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, ओ हटा दिए, वेरी इंपोर्टेंट डाल देना, काफी बार पेपर में आया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे लोगों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये पूरे के पूरे ऑल कितने थे 11, सारे 11 क्वेश्चन, ओके सारे 11 क्वेश्चन, चलिए 11.5 नहीं ऑल 11 आर वेरी इंपोर्टेंट, ओके तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है खत्म, ढंग से देखेंगे 4th, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4th वेरी इंपोर्टेंट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, ढंग से पहले समझिए अब बाद में करना रुक जाइए, C9H10O जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में, पक्का आते हैं बच्चे लोगों पक्का, C9H10O ओके फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP डेरिवेटिव, अब मेरी एक हिंट सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात, सबसे पहले जब भी कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बराबर है, सुन लीजिए बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में ऑलमोस्ट बराबर हैं, पक्का वो बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होगा, पक्का वो बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होगा, पक्का वो बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होगा, अब बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड 2,4-DNP डेरिवेटिव्स बना रहा है, 2,4-DNP डेरिवेटिव बना रहा है, रिड्यूसेस
किसको कर रहा है बच्चा लोगों, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, पक्का टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है। ये पक्का क्या होगा बच्चा लोगों, एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा। क्लियर, कोई कीटोन कभी भी नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट आगे कह रहा है, इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा होगा और इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। ये हिंट मिल गई, ये सारी आपकी हिंट थी। अब इन हिंट से मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। क्या मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट किया? नो, अभी क्वेश्चंस को लिखा है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए। अब सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग बनाओ और बेंजीन पर तुरंत क्या लगा दो, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड तो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है, तो दैट इज सी एच ओ। अब क्यों डायरेक्ट जुड़ा है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। चेक करिए इसमें क्या है। अब सुनिए, आपको पता है बेंजीन रिंग क्या होती है, सुनना ढंग से, C6H6। क्लियर, एक एच हटाया, पांच रह गए, सी एच ओ आ गया। क्लियर, एक एच हटा के सी एच ओ आ गया। यस और नो बोलिए, यस और नो बोलते रहिए, बोलते रहिए यस और नो, तभी समझ में आएंगी चीजें। यस और नो बोलते रहिए। अब कितने कार्बन हो गए, छह और एक सात, सी सेवन ओके, और एच पांच, एच एक, एच सिक्स, ओ, C7H6O हो गया, और यहां पे आपको देख रहा है C9H10O। कितने C बचे रह गए हैं, दो C बचे रह गए हैं, ओके, और चार H बचे रह गए हैं, बस इतना अंतर रह गया। पक्का 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 बोलो, पक्का बोलो, पक्का बोलो, पक्का पक्का। अब आगे क्या कह रहा है, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1-2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है 1 और 2 पे, तो मतलब C OOH, आपको पता है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से COOH बनता है, और पक्का 2 पे COOH है, तो पक्का यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा, पक्का यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा। जल्दी मत करिए आयुष वर्मा, सब गलत कराएंगे पेपर में, समझिए ज्यादा। अब पक्का यहां पर लगा होगा क्योंकि यहां पर आ रहा है, तो अब कितने कार्बन बचे थे, C2H4 बचा था, और एक हाइड्रोजन यहां पे होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया C2H5। अब चेक कर लिए क्या लिखा हुआ है, C6H4, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकली है, CHO और C2H5। चेक करिए, 6, 2, 8, 1, 9 C9, 4, 1, 5 और 5, 10 H10, और दिस इज O, C9H10O, और इसका नाम होगा ऑर्थो इथाइल बेंजल्डिहाइड। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, एज इट इज छपा हुआ आएगा पेपर में, और इसकी अब रिएक्शन करा सकते हैं आप DNP से, टॉलरेंस रिएजेंट से, कैनिजारो से। क्लियर, बहुत इंपोर्टेंट, दोबारा समझा रहा हूं, जल्दी से समझिए। हमसे कह रहा है C9H10O है, और हिंट दिए कि 2-4 DNP डेरिवेटिव बना रहा है, 2-4 DNP डेरिवेटिव बना रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, नहीं लगा सकते, 1-2 कह रहा है ना, वो 1-2 वाला पैदा हो रहा है ना, है ना। अब 2-4 DNP है तो एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, बट उसने आगे बोला कि रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब पक्का एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा। अब कीटोन नहीं होगा तो हमने एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड लगाने के बाद हमारे कुछ कार्बन बचे रह गए, 2 और हाइड्रोजन 4, और हमने सेकंड पे लगाया। सेकंड पे क्यों लगाया, सेकंड पे क्यों लगाया C2H5, क्योंकि प्रोडक्ट में C2H5 मतलब COOH बनना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, पक्का आ रहा है पेपर में, जल्दी से कॉपी करिए, बहुत अच्छा। और जब भी पेपर में आए ये सारी रिएक्शंस लिखनी होंगी, 2-4 DNP से रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, सारी रिएक्शंस आप पाती है, केवल किस पे असर पड़ेगा, CHO पे। C2H5 भी क्यों लगाया, क्योंकि C2H4 बचा था, और यहां पे कैच होता है, C2H4 तो कोई ग्रुप ही नहीं होता, C2H4 तो कोई ग्रुप ही नहीं होता, या तो CH3 होता है या C2H5 होता है, इसलिए हमने C2H5 लगाया, और यहां से हट गई जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना इस इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2, C8H16O2। क्लियर, ओके, एक कंपाउंड है कोई, पक्का बच्चों। अब पक्का दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन हमने केवल एक ही कंपाउंड में पढ़े हैं, किसमें, एस्टर में,
इसमें पढ़े हैं बच्चा लोगों, एस्टर पक्का एक क्या होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी फिर भी आगे पढ़ाओ, आगे हिंट दी होगी। ओके आगे कह रहा है हाइड्रोलाइट में डाइल्यूट H2SO4, ओके डाइल्यूट H2SO4 टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, ले लो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है आपका दिस इज फिफ्थ। ओके अब हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दे रहा है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन को ऐसे लगा सकते हैं CH3। बोलो बच्चों आगे क्या कह रहा है, इधर देखना ढंग से, ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस बी, मतलब बराबर बराबर के कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल जो पैदा हो रहे हैं बिल्कुल बराबर बराबर कार्बन के, तो इक्वली पार्ट्स में एस्टर होगा CH3 CH2 CH2 CO CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज, सबको आया चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके पक्का बता रहा हूं सागर वेट कर। ओके अब इसे चेक करो सी तो 8 हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 3 16 F16 हो गए, O2 हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बोलिए फटाफट से बोलिए हो गए कि नहीं हो गए, हो गए तो ये एस्टर हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 ओके टूटेगा, आप सबको पता है यहाँ पे क्या आएगा H और यहाँ पे क्या आएगा OH, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है यस नो बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बोलो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH प्लस उल्टा करके देखेंगे CH3 CH2 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 OH। क्लियर पक्का प्रज्ञा। अब आगे हिंट दी है उसने, आगे हिंट दी है कि जब हम सी, ये आपका बी था और ये आपका सी था, जब हम सी का क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसका क्रोमिक एसिड H2CrO4, अरे यार क्रोमिक एसिड लो K2Cr27 लो KMnO4 लो, बात एक ही है यार, नो टेंशन, तो आपको पता है CH2OH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा COOH, वापस से भी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा उसने हिंट में दिया है कि वापस से भी बन जाएगा, क्या बन गया CH3 CH2 CH2 COOH दैट इज बी बन गया, और यही कंपाउंड था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इक्वेशन भी लिख दी क्वेश्चन भी कर दिया, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 ओके ब्यूटाइल और 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट दिस इज द एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों लोगों, जल्दी से देखिए और जल्दी से करिए क्विक, ओके पक्का जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट है कि पक्का पेपर में होता है, पक्का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पहला फर्स्ट एसीटल्डिहाइड दिस इज एसीटल्डिहाइड, लिखते आइए मेसन करते आइए, एसीटोन दिस इज COCH3 ओके, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन ओके दिस इज डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन ओके बच्चों बोलो, अरे टर्सरी ब्यूटाइल डाई टर्सरी और बीच में कीटोन बोलो या बंस बंसी बजाओ है ना। आगे क्या कह रहा है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल CH3 ओके कीटोन टर्सरी ब्यूटाइल ओके दिस इज, आगे क्या कह रहा है बस 1 3 4 थे, हमसे कह रहा है कि रिएक्टिविटी टूवर्ड HCl, मतलब सीधा सीधा रिएक्टिविटी बतानी है ना, एसीटोन है, अच्छा एसीटोन था, दूसरा कौन सा था भाई, अरे यार मैंने बेंजाल्डिहाइड बोली थी है, सॉरी एसीटोन एसीटल्डिहाइड और मैंने एरोमेटिक वाले लिख दिए थे बेंजाल्डिहाइड और एसीटोफिनोल, जबकि दिए एसीटल्डिहाइड और एसीटोन। क्लियर, अब आइए सबसे पहले क्या कह रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर, आप सभी को पता है ये तीनों ये कीटोन एक कीटोन एक कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबको पता है कि नहीं पता, जल्दी बोलो फटाफट से बोलो है ना, दिस इज फर्स्ट
दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो हमसे कौन सा ऑर्डर पूछा जे और देखा करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बुरा सबसे पहले, सबसे बुरा जे वाला होगा, सबसे बुरा ये वाला होगा। क्यों होगा सबसे बुरा बच्चा लोगों? सबसे बुरा इसलिए होगा क्योंकि स्टेरिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तगड़े तगड़े ग्रुप लगे, तगड़े 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 तगड़े। तो सबसे बुरा हो गया थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा क्योंकि एक तगड़ा एक छोटा, एक तगड़ा एक छोटा, एक तगड़ा एक छोटा। ओके फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड आएगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट, क्योंकि वो आइडिया है उस पर केवल एक ग्रुप लगा हुआ, सीएसरी एक एच लगा हुआ। सबको आया कि नहीं आया, सबको बोलिए आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पक्का ले लेना पेपर में आप इसे, जल्दी से करिए जल्दी से। दूसरा, दूसरा जल्दी 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 करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सी एच थ्री सेकेंड पार्ट, सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी डब्लू एच, सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू सी डब्लू एच। ओके सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओके सी डब्लू एच और सी एच थ्री, एक दो तीन चार, ओके सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डब्ल्यू एच। दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है बच्चा लोगों, एसिडिक स्ट्रेंथ सबको पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबको पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबको पता है। सबसे बुरा होगा ये वाला, सबसे बुरा ये वाला क्योंकि इसका प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। बोलो भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा, एसिडिटी सबसे कम। ओके फिर उसके बाद ये वाला, ओके इसके बाद ये वाला है ना। फिर अब देखिए यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर क्या है आपका पास है, यहाँ पे बी आर दूर है, बी आर दूर हो गया, एसिडिटी कम हो गई। कल ही बताया था, कल ही बताया था। तो सबसे बुरा कौन सा है आपको पता है? दिस, फिर दिस, ओके फिर बुरा कौन है आपका? ए वाला, और सबसे अच्छा ए वाला। सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी आ गया, पक्का बोलो जल्दी से आ गया, यस और नो? एसिडिटी बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर इसी का, बेंजोइक एसिड। ये आपको बताया था बेंजोइक एसिड सी डबल ओ एच, ओके फोर नाइट्रो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड फोर बाय नाइट्रो। ओके नेक्स्ट है आपका बच्चा लोगो कौन सा है? थ्री फाइव डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, थ्री फाइव डाइनाइट्रो थ्री नाइट्रो फाइव नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और नेक्स्ट है बच्चा लोगों फोर मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, फोर मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मिथॉक्सी मिथॉक्सी ओ सी एस थ्री, वन टू थ्री फोर। चलिए सबसे बुरा कौन सा होगा जल्दी बोलिए, सबसे बुरा कौन सा होगा, सबसे बुरा कौन सा होगा? सबसे बुरा ए वाला होगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के लगने से एसिडिटी कम हो जाती है, दैट इज फोर्थ। फोर्थ के बाद वन, वन के बाद टू और सबसे ज्यादा थ्री, थ्री सबसे ज्यादा क्यों होगा प्रज्ञा? क्योंकि उस पर दो दो एनो टू ग्रुप लगे हैं, दो दो माइनस आई वाले ग्रुप लगे हैं। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए कि क्वेश्चन वो आएगा जो हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे तभी आएगा भैया, कहाँ से आते हैं आपको, करने पड़ रहे ना। प्लस आई इफेक्ट बेटा ग्रुप का याद रखने होते हैं, ओ सी एस थ्री सी एस थ्री एल्काइल ग्रुप जो होते हैं प्लस आई करते हैं, एनओ टू सी एन ये माइनस आई करते हैं। कॉपी भी पढ़ लिया करिए चाचा प्रियांशु, सब लिखा हुआ कॉपी में, कल का कॉपी में पढ़ना था ना, तो मैं एसिडिटी तब तो यहां पे पहुंचते, सब लिखा हुआ कॉपी में। डायरेक्ट क्वेश्चन करके थोड़ी टॉपर बन जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे जब तक कॉपी नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? टेस्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। टेस्ट सबको आते होंगे, टेस्ट सबको आते होंगे, एक दो मैं करा दे रहा हूं और सारे आप करेंगे। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन सेवन, प्रोपेनल सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, प्रोपेनॉन सी एच थ्री सी एच टू प्रोपेनॉन सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। सबसे पहले जब भी एक एल्डिहाइड एक कीटोन दिया या दो एल्डिहाइड दिए हैं, जब भी एल्डिहाइड का कीटोन का टेस्ट पूछे, सबसे पहले आइडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई करिए, सबसे पहले आइडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई करिए। कौन बताएगा आइडोफॉर्म टेस्ट? जो आइडोफॉर्म देगा, जो आइडोफॉर्म नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। रीजन सब जानते होंगे क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप देख रहा है, सीओ सी एच थ्री। कभी भी स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, डायरेक्ट को क्रॉस नहीं लाएंगे, मैंने आपको बताया स्टेटमेंट पूरा लिखना होता है कि ऑन एडिंग क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आई टू इट विल गिव
येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म इट विल नॉट गिव, भले ही रिएक्शन मत लिखिए चलेगा, रिएक्शन तभी लिखिए जब आपको आती हो, अदरवाइज स्टेटमेंट जरूर लिखना होगा एक नंबर में, स्टेटमेंट जरूर लिखना होगा पूरा एक नंबर मिलेगा, सबको आ गया कि नहीं, स्टेटमेंट जरूर लिखना होगा पूरा, दिस विल गिव दिस विल नॉट गिव, ऐसे ही बहुत सारे होंगे। अच्छा एक और टेस्ट लिख सकते हैं, कोई बोले तो एक और टेस्ट, ये एलडीआर है, ये कीटोन है, ये टॉलरेंस रेजन टेस्ट देगा ये नहीं देगा, एलडीआर देते हैं कीटोन्स नहीं देते। एक और टेस्ट है, कोई बताएगा तो मुझे, फेलिंग सॉल्यूशन ये देगा ये नहीं देगा, सबको पता है डिटेल लिखनी होती है, डिटेल आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, डिटेल आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, यस और नो बोलिए। NaSCO3 आप इतने बड़े कुत्ते हैं अनुराग कि आपको ये नहीं पता कि NaSCO3 एलडीआर भी देते हैं कीटोन भी देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना होता है बेटा, केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती पढ़ाई के संग, और आप तो मुझसे अब 2-3 महीने बहुत बुरी तरह पिटने वाले हैं, बैंकर वाले, NaSCO3 एलडीआर भी देते हैं कीटोन भी देते हैं, समझ में आई ना। अगर वो तुम्हें एक अगर एक पूछे तो एक लिखो, दो 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 तो कम से कम लिख दिया, जब आता है तो काहे के लिए छोड़ा हुआ है आपने, क्लियर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके करते जाइए, मे संग संग बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साथ साथ करते जाइए, ओके। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 69.77, ओके, हाइड्रोजन की दी है 11.63 और ऑक्सीजन दिया हुआ है रेस्ट, रेस्ट ऑक्सीजन का मतलब है रेस्ट, मतलब इन दोनों को ऐड करो 100 में से माइनस करो, इन दोनों को ऐड करो 100 को माइनस करो और दैट इज आएगा आपका 18.6। अब इनका एटॉमिक मास, इसका 12, इसका 1, इसका 16, एटॉमिक मास परसेंटेज के बाद एटॉमिक मास खुद हमें लिखना होगा, फिर हमें निकालने होंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो 69.77/12, ओके क्लियर। ये 11th की कंसेप्ट यहाँ पे 12th में दी हुई है, 11.63/1, 18.6/16, मतलब परसेंटेज में किसका डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास का, परसेंटेज में एटॉमिक मास का डिवाइड कर देते हैं, ओके। परसेंटेज में एटॉमिक मास का डिवाइड करने के बाद आपका जो रेशियो आएगा दैट इज कितना कितना आ रहा है जल्दी बताइए, 5.88, दिस इज 5.88, दिस इज 11.63 और दिस इज आपका आ रहा है कितना आ रहा है जल्दी बोलो, 1.16। अब सिंपल रेशियो निकालेंगे, सिंपल रेशियो के लिए जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है इन तीनों में उसका सब में डिवाइड कर देते हैं, सब में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, चलो इधर ही कर रहा हूं, इधर सारे लोग कैसे 5.88 डिवाइड बाय 5.88, सबसे छोटा कौन सा, 1.16, 11.63/1.16, 1.16/1.16, सबको आ गया कि नहीं आ गया था, ये पक्का आ रहा है बच्चों, तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका बच्चा 10 और ये आ गया 1, सबको आ गया कि नहीं आ गया, ओके ये आ गया। अभी एक्चुअली हमने फॉर्मूला किया था ना उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना है और खुद करना है, क्लियर आया यहाँ तक, यहाँ तक सबको आया, सबको आया, सबको आया कि नहीं आया बताइए, है ना। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, दिस इज C5H10O1, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जबकि हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे अंशुमन दिस इज परसेंटेज, दिस इज एटॉमिक मास, डिवाइड परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, जो नंबर आए उस छोटे नंबर का सब में डिवाइड कर दे, वैल्यू आ जाएगी 5×10^1, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है बच्चों। अब जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है N=मॉलिक्यूलर मास, इधर देखना ढंग से, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया होगा, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास 86 है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहां से निकालेंगे ऐसे, देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, 12 × 5 + 1 × 10 + 16 × 1 दैट इज AV 86 आ गया, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो बोलिए, खुशी बोलिए, आयुष दिनेश सबको आ रहा है बच्चा, तो दिस इज 86/86 दैट इज N की वैल्यू आ गई 1, यस और नो बोलिए, N की वैल्यू 1 आ गई, N की वैल्यू 1 आने के बाद
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन सी फाइव एच टेन ओ वन इंटू वन. ओके दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी फाइव एच टेन ओ वन. दिस इज अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट दिया था, इस बार बदतमीज ने हमसे निकलवाया है. अब क्वेश्चन शुरू हुआ है आंसर, अभी तो केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है. आयुष ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला सी फाइव एच टेन ओ वन. ओके अब एन होता है एक नंबर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास हमें 86 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ए निकाला है 86. ओके एन फैक्टर होता है, बिल्कुल सही कह रही है आपने आरिका, एन इक्वल टू वन. ओके एन एम्पेरिकल फॉर्मूला में एन का मल्टीप्लाई कर दो, वही आ गया सेम टू सेम. अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, अब जल्दी करिए मैं रफ करने जा रहा हूँ, फिर हम करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. दिनेश समझ में आया? दिनेश दिनेश जल्दी करिए बच्चे लोग जल्दी. कशिश कशिश अर्षित यशस्वी सागर आनंद जल्दी करिए बच्चे लोग. ओके चलिए तो नेक्स्ट करने के बाद इधर देखेंगे. आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया था सी फाइव एच टेन ओ. यहां तक आ गया था कि नहीं आ गया था? यस और नो बोलिए सारे, यस और नो बोलिए. ओके यस और नो बोलिए. ओके अब शुरू हुआ है क्वेश्चन, आगे कह रहा है डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रेजेंट. ए टॉलरेंस रेजेंट को रिड्यूस नहीं करता, टॉलरेंस रेजेंट को रिड्यूस नहीं करता, डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रेजेंट. पक्का 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 क्या होगा? एक कीटोन होगा, एल्डिहाइड तो नहीं होगा, एल्डिहाइड तो नहीं होगा, कीटोन होगा, ये पता चला. क्लियर? और आगे हिंट देखते हैं, और हिंट देखते हैं, और हिंट देखते हैं. हिंट कह रहा है कि बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम बाइसल्फाइड. सोडियम बाइसल्फाइड के संग रिएक्ट कर रहा है, पक्का एल्डिहाइड और कीटोन में से होता, बट एल्डिहाइड है नहीं है, बचा केवल कीटोन, बचा केवल कीटोन, बचा केवल कीटोन. अब यहां पे देखो कार्बन पांच हाइड्रोजन दस, सागर आनंद कार्बन पांच हाइड्रोजन दस, कार्बन पांच हाइड्रोजन दस है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बराबर नहीं है. पक्का ये बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड नहीं होगा, खुला खुला कंपाउंड होगा, खुला खुला. आइए पांच कार्बन है ना, आगे क्या हिंट देगा वो बाद में देखेंगे. और पांच कार्बन में हमसे कह रहा है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनॉइक एंड प्रोपेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एंड प्रोपेनॉइक मतलब इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक, पॉप ऑफ रूल लगेगा, पॉप ऑफ रूल. इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक मतलब पक्का अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा. पक्का कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन. पक्का पेंटेनॉन होगा, बट कौन सा पेंटेनॉन? इधर एक दो तीन चार पांच यहां पर लगा देंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा. इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक पैदा कर रहा है, तो दिस इज द आंसर. डंडे बोलो तीन, इस पे नो, इस पे टू, इस पे टू, इस पे थ्री. द आंसर इज पेंटेन टू ऑन. इसका अगर हम पॉप ऑफ रूल लगाएं, ऑक्सीडेशन करें के MnO4 से, आपको पता है पॉप ऑफ रूल एक कहता है कीटोन हमेशा जुड़ता है छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से, छोटे वाले एल्काइल ग्रुप से. तो ऐसे टूटेगा दो कार्बन का और तीन कार्बन का, CH3COOH और CH3CH2COOH. वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट डाल देंगे. द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, कर लेंगे सारे बच्चे जल्दी से. लास्ट स्टेप है पेंटेन टू एंड पॉप ऑफ रूल लगा दे, सीओ हमेशा छोटे वाले से जोड़ेगा, दो कार्बन का एसिड बनेगा और तीन कार्बन का एसिड बनेगा. ओके आयु सुप्रेति ये सी फाइव एच टेन ओ था, डज नॉट रिड्यूस, बोलो बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग देखते हैं. अब इधर क्या कह रहा है 18 में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C8H8O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H8O. ओके C8H8O दिया हुआ है पक्का. अब C8H8O दिया हुआ है, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बना रहा है विद 2,4-DNP रेजेंट. ओके और 2,4-DNP रेजेंट के संग बना रहा है, मतलब या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, मींस इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन. अभी तक नहीं पता चला ये एल्डिहाइड है कीटोन है. वेट कर अंशमन, वेट कर, वेट कर. आगे कह रहा है इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन. पक्का
येलो प्रेस मीट दे रहा है आईडिया किसके संग बच्चों आईडी नो एनएच के संग आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है मतलब इसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, जे वाला ग्रुप जरूर होगा, ए वाला ग्रुप जरूर होगा। यस अनो बोलिए, यस अनो बोलिए, यस जतिन जतिन जल्दी बोल, यस अनो ए वाला ग्रुप होना चाहिए तभी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके आगे कह रहा है इट नाइदर रिड्यूस टॉलरेंस और फेलिंग रेजेंट, पक्का कीटोन होगा। अब कीटोन होगा एलियड नहीं हो सकता, इट मस्ट बी कीटोन नॉट एल्डिहाइड। ओके चलिए कीटोन होगा। आगे कह रहा है अब इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी हैविंग मॉलिक्यूलर पोलर C7H6। अब मैंने बोला इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बराबर है, हिंट वंस कार्बन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बराबर है पक्का बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी। मुस्कान वेट करिए, बेंजीन रिंग होगी तो इधर दिस इज और जे वाला ग्रुप होना ही चाहिए इसमें COCH3। जे वाला ग्रुप होगा तभी वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। स्ट्रक्चर समझ में आई, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस अनो बोलिए, यस अनो बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी यस अनो, जल्दी जल्दी यस अनो, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है। अब चेक करिए, चेक कर लिया करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C6H5COCH3 6 1 7 1 8 C8 5 3 8 H8O। ओह माय गॉड बिल्कुल सही निकला हमारा तो C8H8O। पक्का आया समझ में? पक्का आया बच्चा लोग? बोलो बच्चों पक्का, बोलो पक्का है ना सी। तो दिस इज, अब इसका क्या कराना है हमें, आगे क्या कह रहा है? ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम। आपको पता है KMnO4 से ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज आपको पता है एसिटोफिनोन से कुछ बनता है, कल भी बताया था कुछ, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा C6H5COOH C7H6O2। यही वाला एसिड कह रहा है और देखिए बन गया, ये शक्ल बन गई। सबको आ गया कि नहीं आ गया? यस अनु बोलिए मेरे बच्चों, यस अनु बोलिए। आप चाहें तो इसकी रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं इसका, है ना। क्वेश्चन में क्रोमिक एसिड दिया, क्रोमिक एसिड वो ही होता है बेटा, H2CrO4 ले ले, एक ही बात है। ओके समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 11th का फर्स्ट, साइक्लोहेक्सिनोन, दिस इज साइक्लोहेक्सिनोन। ये तो HCN से रिएक्ट करके आपका साइनोहाइड्रिन बना लेता है, साइनोहाइड्रिन बना लेता है। बोलो बच्चों पक्का आ रहा है सबको? बोलिए है ना, साइनोहाइड्रिन बना लेता है, पक्का बना लेता है, बोलिए। बट आपका जो है कौन है, 2,2-trimethyl, सही कर लेना, मिसप्रिंटेड, 2,2-trimethyl साइक्लोहेक्सेन, 2,2,2-trimethyl, 2,2 देखिए इधर साइक्लोहेक्सेन नॉन, क्लियर, 2,2,2 ओके 2,2,2 ही होगा ना, देखो जरा 2,2,6 है बेटा, है ना 2,2,6 देखिए 2,2-trimethyl और 6 पे यहां पे CH3। ये HCN से रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन नहीं बनाएगा, कोई रीजन बताएगा? सबको पता, सबको पता है तीन तीन ग्रुपों ने घेर रखा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, खत्म कर देगा, इसलिए HCN अटैक नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया था ये अकेला है, इसको कोई भाई बहन नहीं है, कोई नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा, इसके तीन तीन भाइयों ने इसको क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट, इसलिए CN न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। सबको आगे कभी आ गया? ओके ओके क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पक्का आ गया, समझ में आ गया बच्चों? बस पढ़िए बच्चा लोग, बहुत मजा आने वाला है, बहुत, बट पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है कल। ओके ढंग से पक्का, ओके बच्चा लोग खूब सारा पढ़े, पक्का अच्छे नंबर आने वाले हैं, बोर्ड बोर्ड टॉप करने जा रहे हैं आप। ओके बोलो बाबा अम्मा की जय, बाय बच्चों।